मैंने जैसे कि ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें जैसे कि मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो लोग आते हैं स्टेज पे, वो लोग शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छा फील होता है। बट अचानक से सैंडी सर आते हैं। जी सैंडी सर कौन है? जी कुत्ते का नाम लग रहा है। तो वहाँ भी आप स्क्रीन पर होते हो, सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है? मतलब सीरियसली आपका अनस्टॉपेबल, जो आपने देखा कि आपकी ना बाउंड्रीज आप खुद से तय करते हो, तो आई थिंक कि ना हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम दिल से कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। चलिए लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और कौन बोलना चाहेगा या चाहेगी? आप बोलो। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। सर आपने अपने एक सेशन में एक स्टोरी सुनाई थी दो फ्रेंड्स की, जो एक बच्चा कुएं में गिर जाता है और दूसरे बच्चे ने उसको बाहर निकाल लिया था बिकॉज उसको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। सेम चीज़ मेरे साथ जुलाई में हुई थी व्हेन आई थॉट कि मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे खुद के सर ने, मतलब मेरे मॉडल रोल मॉडल ने मुझे मना किया कि नो गुंजन, बेकार चीज़ है, मत करो, प्रैक्टिस बिल्कुल बेकार है, गो फॉर जॉब, तुम्हारे तो फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। मैंने वो आपका सेशन सुना, मैंने उस पर फॉलो किया, मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस बंदे की सुनूंगी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या सर क्या प्रॉब्लम है बताइए, कहते कुछ नहीं ज़्यादा कमाई नहीं है, मैंने सर बस यही प्रॉब्लम है ना, कहते हाँ मैं तो ज़्यादा नहीं कमा पाया, मैंने कहा कोई बात नहीं सर ठीक है। एंड आई फॉलोड माई हार्ट, आई फॉलोड यू, एंड मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, एंड सीरियसली सर दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन लिया, मुझे अपना ड्रीम ट्रू करना था कि मुझे अपना ऑफिस खोलना है, एंड आई डिड, यू वांट टू बी योर ओन बॉस, यस, एंड आई डिड दैट। एंड अगर मैंने उनकी सुन ली होती ना तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होती और क्या कर रही होती, बट आई लव माय लाइफ राइट नाउ। तो काम अभी ठीक चल रहा है आपका? मतलब स्टार्ट, आई कैन नॉट टेल यू कि कितना अच्छा चल रहा है, बता दो यार। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा चल रहा है। देखो लाइफ में क्या है कि चाहे आप सही करो कुछ या गलत करो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सही और गलत की कोई डेफिनेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो खुद ले रहे हो, गलती है तो मेरी है, सही किया तो मैंने किया, बस इससे बड़ी चीज और कोई लाइफ में हो नहीं सकती है। खुद का डिसीजन होना चाहिए आपका, जैसे इनका खुद का डिसीजन है, इन्होंने खुद डिसीजन लिया जबकि इनके सर ने इनको मना भी किया, हो सकता है आसपास वालों ने भी मना किया हो, इसमें कुछ नहीं पड़ा, बट खुद का डिसीजन लिया। तो एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं जानता कि अभी ये फाइनेंशियली, क्योंकि बता नहीं रही है इनकम टैक्स की वजह से जिस भी वजह से, तो बट ऑल आई कैन से इज एक चीज की गारंटी है यहाँ पर कि आपको मजा आ रहा होगा ये करने में, बस और मुझे कुछ नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, बस आपको मजा आ रहा होगा जिंदगी जीने में, इससे ऊपर और क्या है बताओ। आप एक बहुत बड़ा, आप पैसा भी कमा लेते हो किसी नौकरी से, लेकिन आपको वहां पर मजा ही नहीं आता है, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, चाहे अपने फादर के एक बहुत बड़े बिजनेस में बैठे हुए, होता है ना कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कि आपके पिताजी हैं उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उसमें जा करके आप गद्दी पर बैठे हुए हो, सुनने को क्या मिलता है सुबह से रात तक, बेटा हमने देखो क्या क्या किया है, तुमने क्या किया है, तुमको तो सब कुछ पका पकाया मिल गया है, ये डायलॉग सुने हैं? आ करके बैठे हुए हो बस, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, और जरा सी उसने कुछ गलती करी तो उसको उधेड़ दिया सबके सामने, अरे तो बेवकूफ है, उसके पास में लाखों करोड़ रुपए हैं लेकिन अपनी नजर में और दुनिया की नजर में वो क्या है, बेवकूफ है, तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा है। दूसरी तरफ से आप एक ऐसा काम कर रहे हो जैसे ये कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे आप कर रहे हो चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हो, अभी स्टार्टिंग है, 6 महीने हुए हैं, तो कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा, चाहे आप कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन जैसा भी है जो भी है अपने बेस पर कर रहे हो ना, अपनी खुद की पहचान बना रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, समझ रहे हो ना, तो ऐसी सोच होनी चाहिए कि लाइफ में जो भी करना है मुझे, सही करना है गलत करना है, वो मेरा अपना डिसीजन होगा।